20 कमाल के किचन टिप्स ताकि दुगना हो जाए आपके खाने का स्वाद। अगर आप भी कुकिंग के मामले में नहीं हैं और थोड़ी मदद की तलाश में हैं तो हमें यकीन है कि ये टिप्स आपके काम ज़रूर आएगी। इन टिप्स से ना सिर्फ आपको खाना बनाने में मदद मिलेगी बल्कि उसका स्वाद भी बेहतर होगा। नंबर 1, छेना फाड़ने के बाद उससे निकला पानी फेंके नहीं, उसका इस्तेमाल रोटी या पराठा का आटा गूंदने के लिए करें। रोटी पराठे ज़्यादा टेस्टी और मुलायम बनेंगे। नंबर 2, पकौड़े के लिए बैटर बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। नंबर 3, पुरानी या बासी ब्रेड को पीस कर एयर टाइट डिब्बे में रख ले, बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट या कबाब बनाने में करेंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं और स्वादिष्ट भी बनेंगे। नंबर 4, कोई भी मीठी डिश बनाते वक्त उसमें एक चुटकी नमक डालें, इससे स्वाद और ज़्यादा उभर कर आएगा। नंबर 5, चावल बनाते वक्त इसके पानी में एक चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालें, इससे चावल खिले खिले और बिल्कुल सफ़ेद बनेंगे। नंबर 6, किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालें, चीनी कैरमलाइज होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी। नंबर 7, पूड़ियों को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते वक्त ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगी। नंबर 8, सूजी को हलवे के लिए भूनते वक्त इसमें आधा चम्मच बेसन भी मिला दें, इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। नंबर 9, परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को काटकर उन्हें 2-3 मिनट के लिए पानी में उबाल लें, पानी से निकालकर इन्हें किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर पर फैला दें जिससे इनका सारा पानी सूख जाए। अब इन्हें कॉर्नफ्लोर से डस्ट करके जिप लॉक बैग या एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रीजर में रख दें, ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर तुरंत फ्राई करें। नंबर 10, प्लेन मेयोनीज में हरी चटनी या टमाटो चिल्ली सॉस या चॉप किया हुआ धनिया पुदीना मिलाकर बिल्कुल नए स्वाद वाला डिप या स्प्रेड तैयार कर सकते हैं। नंबर 11, लहसुन के 10-12 कलियों को बारीक काट के एक चम्मच तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, इसे पानी निचोड़ दही में नमक चिल्ली फ्लेक्स और बारीक कटे धनिए के साथ मिलाएं। आपका हेल्दी और टेस्टी सैंडविच स्प्रेड और डिप तैयार है। नंबर 12, किसी ग्रेवी में अगर तेल या घी ज़्यादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज या फ्रीजर में रख दें, ऊपर तैर रहा तेल जम जाएगा और आप आसानी से उसे निकाल कर फेंक सकती हैं। बाद में अपनी डिश को सर्व करने से पहले दोबारा गर्म कर लें। नंबर 13, इंस्टेंट नींबू पानी बनाने के लिए पहले से 2 कप चीनी को 1 कप पानी में घोल लें और इसमें 4 से 5 नींबू के रस मिला लें। इस मिश्रण को आइस ट्रे में डालकर फ्रिज कर लें। जब भी नींबू पानी या सिकंजी बनानी हो 2 क्यूब ग्लास में डालें, स्वादानुसार नमक डालें और अपनी पसंद
अपनी पसंद के हिसाब से चिल्ड सोडा या पानी डालकर मिक्स कर लें। इससे आपको अपने ड्रिंक में अलग से बर्फ डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और बर्फ़ डालने के बाद शरबत जो फीका पड़ने लगता है वो परेशानी भी नहीं होगी। नंबर 14, भिंडी अगर हर बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दे, इससे चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त एक चम्मच भुना बेसन भी डाल सकती हैं, इससे चिपचिपापन भी दूर हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी भी बनेगी। नंबर 15, किसी भी डिश की क्रीमी और रिच ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू के टुकड़ों को पानी में 5-7 मिनट के लिए उबाल लें। टमाटर का छिलका हटाने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ पीस कर छान लें। इस बेस सॉस या पेस्ट के साथ अपनी ग्रेवी बनाएं तो बिल्कुल रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी। नंबर 16, ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते वक्त उसमें 2 चम्मच दूध मिला दें, इससे ऑमलेट सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। नंबर 17, मलाई से ज़्यादा मात्रा में घी निकालने के लिए उसमें बर्फ़ डालकर मिक्सी में चलाएं, इससे सारा मक्खन अलग होकर ऊपर आ जाएगा और मट्ठा नीचे रह जाएगा। इस मट्ठे या छाछ का इस्तेमाल आप कढ़ी या रवा इडली का बैटर बनाने के लिए कर सकती हैं। नंबर 18, इंस्टेंट क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू के पतले स्लाइस काट के इन्हें बर्फ़ वाले पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद फ्राई करें। नंबर 19, बिना अंडे का सॉफ्ट और फ्लफी केक बनाने के लिए केक का बैटर पके केले और दही के साथ बनाएं। नंबर 20, लौकी का कोफ्ता या हलवा बनाने के लिए इसे कद्दूकस करने के बाद जो पानी निकले उससे आटा गूंद लें। इससे पराठे न सिर्फ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे बल्कि हेल्दी भी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।